हेलो एवरीवन वेलकम टू क्वांट स्टडी दिस इज अभिषेक पंडोत्रा एज यू नो मैं आपको जी की हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी नए स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन किए हैं मैं चाहूँगा कि वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस दैल आइकन ऑल्सो यू कैन ऑल्सो फॉलो आर चैनल ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स

उसमें हम एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वही होता है तो जिस अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो जाके पहले हमारी चैनल की प्ले में जाके प्रीवियस लेक्चर्स देख लें सो दैट वो आप इन क्वेश्चन के आंसर कर पाओगे चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है वेन डिड मुगल्स कम टू कश्मीर मुगल्स कश्मीर में कब आए थे नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्पर रूल कश्मीर फर्स्ट मुगल एम्पर कौन था जिन्होंने कश्मीर पर रूल किया था हु मेड शालीमार एंड निशाद गार्डन ऑन द ऑफ डल लेक डल लेक के किनारे पे जो शालीमार गार्डन और निशाद गार्डन है वो किसने बनाया था हु बिल्ट द गार्डन ऑफ चश्माशाही चश्माशाही का जो गार्डन है वो किसने बनाया है बिच फ्रेंच ट्रेवलर अंपनीड बाय औरंगजेब टू कश्मीर जो औरंगजेब जब कश्मीर में आए थे उनके साथ कौन से फ्रेंच ट्रैवलर थे जिन्होंने उनके साथ ट्रैवल किया था नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड अफगान अफगान रूल स्टार्ट इन कश्मीर अफगान रूल कश्मीर में कब स्टार्ट हुआ था नेक्स्ट है व्हेन डिड अफगान रूल एंडेड अफगान रूल खत्म कब हुआ था उसके बाद है व्हेन डिड सिख रूल बिगिन इन कश्मीर सिख रूल कब स्टार्ट हुआ था नाइन्थ है विच सिख रूलर रूल कश्मीर आफ्टर डिफीटिंग अफगान कौन से सिख रूलर ने कश्मीर पर रूल किया था अफगान को हरा कर वैन डेट सिख रूल एंड सिख रूल कब खत्म हुआ था इन द लास्ट क्लास हमने जो मेडिवल हिस्ट्री थी वो खत्म कर दी थी सिख रूल अफगान रूल के बारे में पढ़ के मुगल्स के बारे में पढ़ के आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मॉडर्न हिस्ट्री మే హం కిస్కే బారే మే పరేంగే డోగ్రా డైనస్టీ కే బారే మే డోగ్రా పీరియడ్ కే బారే మే మోడర్న్ హిస్టరీ మే మెయిన్లీ డోగ్రాస్ జో రూలర్ థే ఉన్హోన్హోనే యహાં పే రూల్ కియా హై ఔర్ డోగ్రా పీరియడ్ కబ్ స్టార్ట్ హువా థా యే స్టార్ట్ హువా థా 1846 మే జబ్ ఫస్ట్ ఆంగ్లో సిక్ వార్ హుయీ థీ జబ్ సిక్ రూల్ చల్ రహా థా వహ తబ్ యహાં పే ఏంగ్లో సిక్ వార్ హుయీ థీ జో కిస్కే బేచ్ మే థీ బ్రిటిష్ర్స్ కే బేచ్ మే ఔర్ సిక్ కే బేచ్ సిక్ రూల్ కే బేచ్ మే హుయీ థీ క్యుస్కే బేచ్ మే జబ్ మహారాజా रणजीत सिंह जी haar gaye the तो उसके बाद जो जे एंड के थी उसको ब्रिटिशर्स ने महाराजा गुलाब सिंह जी को सेवेंटी फाइव लैख शाही रुपीज़ में बेच दिया था जिसके बाद यहाँ पे डोगरा पीरियड स्टार्ट हो गया था डोगरा पीरियड स्टार्ट होता है एट्टीन फोटी सिक्स में और ये एंड होता है नाइनटीन फोर्टी सेवन में डोगरा रूल को डोगरा रूल जहाँ पे एग्जैक्टली हंड्रेड ईयर्स तक रहा था और इस पीरियड को मोस्ट प्रोग्रेसिव और पीसफुल पीरियड माना जाता है जे एंड के हिस्ट्री में आइए देखते हैं किन किन रूलर्स ने यहाँ पे रूल किया जो सबसे पहले जो डोगरा रूलर थे जिन्होंने यहाँ पे रूल किया था वो थे महाराजा गुलाब सिंह महाराजा गुलाब सिंह जी ने सबसे पहले यहाँ पे रूल किया था ही इज़ द फर्स्ट डोगरा रूलर इनका टेन स्टार्ट हुआ था एट्टीन में और ये ख़त्म हुआ था एटीन में इन्होंने ऑलमोस्ट टेन टू इलेवन ईयर्स तक यहाँ पे रूल किया था उनके बाद यहाँ पर आए थे रणवीर सिंह महाराजा रणवीर सिंह जी ने 1856 में यहाँ से स्टार्ट किया था और 1885 तक यहाँ पे रूल किया था उसके बाद आते हैं प्रताप सिंह प्रताप सिंह जी ने से यहां पे रूल करना स्टार्ट किया था और और तक किया था और जो लास्ट रूलर चलिए यहां पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल्स में महाराजा गुलाब सिंह जिन महाराजा गुलाब सिंह ही इज द फर्स्ट डोगरा रूलर आपको पेपर में प्रश्न आ सकता है हु वाज द फर्स्ट डोगरा रूलर तो उसमें आपने आंसर होना चाहिए महाराजा गुलाब सिंह महाराजा गुलाब सिंह वाज बोर्न इन 1792 एंड ही डाइड ऑन 1857 ही वाज द फाउंडर ऑफ रॉयल डोगरा डायनेस्टी इन जे एंड के यही थे जिन्होंने डोगरा डायनेस्टी को जे एंड के में फाउंड किया था और फर्स्ट महाराजा थे जो प्रिंसली स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू एंड कश्मीर उस टाइम पे सेकेंड लार्जेस्ट प्रिंस, प्रिंसली स्टेट थी ब्रिटिश इंडिया के अंडर जो बनाई गई थी किसके कब बनी थी जब सिक्स को हरा दिया गया था फर्स्ट एंग्लो सिख वार में एंग्लो सिख वार इसलिए हुई थी क्योंकि जो सिख रूल थे ड्यूरिंग सिख रूल वो क्या कर रहे थे कि जो उनके सराउंडिंग्स में जितने भी एरिया आते थे वहां पे अपना रूल करने के लिए अपनी जो बाउंड्री थी उसको आगे आगे करते जा रहे थे जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को लगा कि ये अभी हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे तो इसके लिए उनके बीच में एक वॉर हुई थी जिसको एंग्लो सिख वार के नाम से जाना जाता है जिसके बीच में महाराजा रंजीत सिंह जी हार गए थे और उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल हो गया था फिर उसके बाद एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी गुलाब सिंह जी के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में जिसके अंदर ब्रिटिशर्स गुलाब जे को गुलाब सिंह जी ने सेवनटी फाइव लैख नाना शाही नानक शाही रूपीज में पूरा खरीद लिया था जिसके बाद वो यहाँ के रूलर बन गए इसलिए उनको फर्स्ट डोगरा रूलर यहाँ का कहा जाता है ट्रिटी ऑफ अमृतसर के बारे में हम डिटेल्स में बढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास उसके बाद यहाँ पे आए रणवीर सिंह रणवीर सिंह इज द सेकेंड डोगरा रूलर जिन्होंने यहाँ पे रूल किया था ही वॉज वॉर्न ऑन अगस्त एटीन थर्टी और इनकी डेथ हुई थी ट्वेल्व सप्तम्बर एटीन एटी फाइव में ही वॉज द किंग ऑफ जे के और इनका टेन्योर स्टार्ट हुआ था आफ्टर द डेथ ऑफ गुलाब सिंह कब स्टार्ट हुआ था 1856 में और इनकी डेथ हुई थी 1885 में फाइव में आपको डेट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है क्या हुआ था जब गुलाब सिंह जी की डेथ हो गई थी उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो दिल्ली भी अपना रूल करना चाहते थे अच्छे से फिर से वो दिल्ली को अपने रूल अंडर लेना चाहते थे इसके लिए उन्होंने क्या किया था रणवीर सिंह जी ने क्या किया था ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी उन्होंने जो जम्मू एंड कश्मीर जो सोल्जर्स थे उनके ट्रूप्स जो थे वो उनको ब्रिटिशर्स की हेल्प करने के लिए भेजे थे ठीक है जिसकी वजह से इनकी हेल्प की वजह से ब्रिटिशर फिर से अपना जो रूल थे वो दिल्ली पे कर पाए इनकी इस हेल्प की करने के लिए ब्रिटिशर्स ने महाराजा रणवीर सिंह जी को उनकी लॉयल्टी के लिए रिवार्ड किया गया था जिसके बाद जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी उसमें एक नया अवेंडमेंट इंसर्ट किया गया था 1860 में वो नया प्रोविजन क्या था उसके अंदर यह था पहले यह था कि अगर किसी भी डोगरा रूलर के अंदर कोई डोगरा रूलर के आगे कोई भी उसका चाइल्ड नहीं हुआ स्पेशली मेल चाइल्ड अगर नहीं हुआ तो उनकी जो डायनेस्टी है वो ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ब्रिटिशर्स यहाँ भी वापस आ जाएंगे रूल करने बट उनकी इस हेल्प की वजह से क्या हुआ है कि नया उसमें प्रोविज़न ऐड किया गया कि अगर किसी डोगरा रूलर का कोई चाइल्ड नहीं होता नहीं होगा तो वो अपना कोई चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते हैं वो कोई चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते हैं जो भी उनकी फैमिली में उनके जो कजन्स हैं वहां उनके कोई बच्चे लेके उनको वो अडॉप्ट कर सकते हैं ये उनमें नया प्रोविजन ऐड किया गया एटीन सिक्सटी में ठीक उनको पहले ऐसा कोई भी प्रोविजन इसके अंदर नहीं था ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड बाई ब्रिटिशर्स विद किसके साथ उनको reward, uh, reward किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा मोस्ट in ex उनको रिवॉर्ड किया गया था कब 1862 में दिस इज इंपॉर्टेंट इसको आप मार्क कर लीजिएगा नोट कर लीजिएगा जब फाइनल ईयर चल रहे थे गुलाब सिंह जी के उस टाइम पे क्या हुआ था एक रिवेल शुरू हो गया था कहाँ पे गिलगिट में लोग विद्रोह करना स्टार्ट हो गए थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज हो गई थी वहाँ पे जो डोगरा ट्रूप्स थे बहुत ज़्यादा वहाँ पे कैजुअलिटी होना शुरू हो गई थी फिर क्या हुआ 1860 1860 में क्या हुआ रणवीर सिंह जी ने अपने जो ट्रूप्स थे आर्मी थी उनको वहाँ पर भेजा किन अंडर लीडरशिप है कर्नल देवी सिंह नरानिया कर्नल विजय सिंह एंड जनरल होशियारा सिंह के अंदर उन्होंने जो अपनी आर्मी थी उनको वहाँ पर गिलगिट में भेजा और जिनकी मदद से उन्होंने फिर से जो गिलगिट था उसको रिकैप्चर कर लिया जब 1870 के एंड में फिर क्या हुआ जो स्टेट्स थी हुंजा और नगर्स दे आर हैप्पी और उनका जो ट्रिब्यूट था वहां से इनको अमाउंट भेजा जाता था, जा था जम्मू एंड कश्मीर को और इन रिटर्न उनको क्या दिया जाता था सब्सिडी दी जाती थी एनुअल सब्सिडी दी जाती थी रणवीर सिंह जी ने एक मॉडर्न जुडिशल सिस्टम भी बनाया था जिसके अंदर सिविल और क्रिमिनल लॉज जो थे उनको लिखा गया जो किसके अंदर आते थे रणवीर पिनल कोड में के अंदर आते थे जिसको इनफैक्ट फैक्ट आज कल भी जो जम्मू एंड कश्मीर में तब जम्मू एंड कश्मीर में आज भी उनको फॉलो किया जाता है जो जुडिशियल सिस्टम इन्होंने लिखा था वो किसको हैंड ओवर कर दिया गया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को कर दिया गया क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ही होते हैं जो इन द एंड उसको चलाते हैं अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं कि कोई भी जो भी उनके अंदर कोई भी पटिशन आती है उसको सुनते हैं उनको हल करते हैं इसलिए उनको हैंड ओवर कर दिया था सेपरेट प्रिजर्स जो थी वो बनाई गई किसके लिए पोलिटिकल लीडर्स के लिए रणवीर सिंह क्या करते थे दिन में दो टाइम्स दरबार ऑर्गेनाइज करते थे दरबार क्या हो गया इट इट इज लाइक ओपन कोर्ट ओपन कोर्ट टाइप्स हो गई कि कोई भी आके वहाँ भी बैठ सकता है दिन में दो बार होता था, था जिनमें वो लोगों की पटिशन सुनते थे लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है या कोई भी कुछ हो रहा है वो सुनते थे रणवीर सिंह ने सेपरेट डिपार्टमेंट्स बनाए थे फॉरेन अफेयर्स के लिए होम अफेयर्स के लिए सिविल अफेयर्स के लिए एंड आर्मी के लिए भी उन्होंने अलग से बनाए थे उन्होंने सिल्क फैक्ट्री को भी यहाँ पे फाउंड किया था यहाँ पे बनाया था और जो अपना ट्रेड होता था उसको भी वो प्रमोट करते रहते थे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लेते थे उनके लिए इनकम कैसे लोग इनकम जनरेट कर सके वो भी उनके लिए उनका जो प्राइमरी जो होता था मोटिव होता था कि ये सब उनके ड्यूरिंग स्टैंड की वो जनरेट होना चाहिए उन्होंने यहाँ पे शॉल इंडस्ट्री को भी यहाँ पे लगाया जिसके अंडर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली बहुत सारे लोगों को इनकम्स मिल जाती थी और सो दैट दे कैन हैप्पीली लिव 1882 में क्या हुआ रणवीर सिंह ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को राइटिंग में लिखा और रिक्वेस्ट की कि जो उनके सबसे छोटे बेटे हैं अमर सिंह उनको उनका सक्सेसर बनाया जाए कि उनके बाद उनको ही थ्रोन पे बिठाया जाए वो ये सोचते हैं कि जो अमर सिंह है वो बहुत ही वाइजर हैं बहुत ही इंटेलिजेंट है बहुत ही स्मार्ट है जो उनके बाकी सिबलिंग्स हैं उनसे इसलिए वो चाहते थे कि अमर सिंह की थ्रोन पे बैठे बट जो उनके सिबलिंग्स थे प्रताप सिंह और राम सिंह से बट क्या हुआ ट्वेल्थ सितंबर 1885 एटी फाइव जब उनकी डेथ हुई उसके बाद क्या हुआ गवर्नर जनरल से जो लॉर्ड रिपर उन्होंने अनाउंस किया कि जो प्रताप सिंह है वो ही यहाँ के किंग बनेंगे ही वॉज द महाराज ऑफ ही विल बी द महाराज ऑफ जे उन्होंने अनाउंस कर दिया इन रिटर्न क्या हुआ प्रताप सिंह ने क्या किया जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे उनको यहाँ पे अपॉइंट करना शुरू कर दिया उनसे पहले यहां तक ब्रिटिशर्स को रेजिडेंस नहीं मिलती थी वो यहाँ पे एज ए रिफ्यूजी रहते थे उनको यहाँ पे कोई रेजिडेंट नहीं मिलती थी देन प्रताप सिंह उसके बाद इनका टेन्यू स्टार्ट हुआ प्रताप सिंह का प्रताप सिंह के टाइम पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हमारी स्टेट में आई जैसे हमारे स्टेट में बहुत सारे रोड्स वगैरह बने कॉलेजेस बने स्कूल बने चलिए हम इसी के बारे में पढ़ते हैं क्या हुआ प्रताप सिंह भाई जो फर्स्ट मेजर स्टेप बोला जाता है जो सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट हुई थी वो हुई थी एटीन नाइन में वो क्या थी जब जेलम वैली कॉट रोड यहाँ पे बना था जिसको मोस्ट ब्यूटीफुल या वंडरफुल माउंटेन रोड के नाम से जाना जाता था जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था जो को से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता था बारामूला तक जाता था और इसको बाद में एक्सटेंड किया गया कहाँ तक श्रीनगर में श्रीनगर तक एक्सटेंड किया गया 1897 में इन 1922 में क्या हुआ एक और हाईवे बनाया गया जिसको कार्ट रोड के नाम से जाना जाता है आपको पेपर में क्वेश्चन आ, आ सकता है कि अंडर वैली कार्ट रोड और रोड वॉज मेड और डेवलप्ड तो आपका आंसर लिखना प्रताप सिंह 1922 में क्या हुआ था बनिहाल काट रोड को बनाया गया जिसके जरिए लोग श्रीनगर और जम्मू से इजीली कनेक्टेड हो गए श्रीनगर तब समर कैपिटल होती थी और जम्मू जो है विंटर कैपिटल होती थी जो लोगों के लिए खोल दिया गया था बेसाइड्स इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे रोड्स बनाए जिसके जरिए उन्होंने श्रीनगर को गिल के साथ लेह के साथ भी अटैच कर दिया जिसके लोगों का ट्रैवल करना इजी हो गया था इतने ज्यादा इनकी टेन में रोड्स बने थे इनका इंपैक्ट इतना ज़्यादा था रोड्स बनने का लोगों की जिंदगी में कि जब इनके टेन्योर से पहले यहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं चलती थी मीन्स कि कोई भी कार्ट तक नहीं चलता था जो भी सिंगल व्हील कार्ड भी नहीं चलता था और क्या हुआ रोड बनने के बाद यहाँ पे लोगों में इतनी डेवलपमेंट हो गई कि जहाँ पे कार्ड्स चल रहे हैं इन जब इनका प्रताप सिंह का टेन्योर ख़त्म होने वाला था तो यहाँ पे मोटर कार्स जो थी वो प्रिंसिपल कन्वेंस बन चुका था इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हुई थी इनके रूल इनके टेन्योर में रोड्स बनाने के अलावा इन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए थे कि वैली जो है वो रेलवे के रेल लिंक के साथ अटैच हो सके पर उसका बजट इतना ज्यादा था कि इधर पॉसिबल नहीं हो सका इसलिए उन्होंने कोशिश की फिर उन्होंने एक और प्रोजेक्ट बनाया कि वो एक रोप वे बनाएंगे जम्मू से विलेज दोरू तक और उसके बाद कश्मीर को कश्मीर से वो फोर्टी सिक्स माइल्स के एक लाइट रेलवे बना देंगे जिससे जिससे जो अप डाउन करना जिससे आना जाना जो है ईजी हो जाएगा बट वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीजन बट उन्होंने जम्मू को सियालकोट के साथ लिंक कर दिया था एटीन में ड्यूरिंग हिस्टर्नी और एक लैंड सेटलमेंट भी हुई द स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया एक लैंड सेटलमेंट की इससे पहले क्या होता था कि, कि जो भी लैंड होते थे वो अपने जो भी लैंड्स देते थे जो लेबर्स को काम करने के लिए उनको उनका प्रॉपर अमाउंट नहीं पे किया जाता था पर क्या हुआ एक लैंड सेटलमेंट हुई जिसके बाद जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट होंगे उनको उनका जो भी पार्ट है वो प्रॉपरली दिया जाता था और उनको एक टेनवर दे दिया गया कि आपको इतने साल के लिए लैंड जो है वो आपके पास ही रहेगी जिसमें उन्होंने मिनिमम रखे थे टेन ईयर्स की टेन ईयर्स तक आपके पास ये लैंड रहेगी रहेगी और जो भी रहेगा उसका कुछ पार्ट आप गवर्नमेंट को जाएगा और उसका कुछ पार्ट आपके पास रहेगा उसके बाद इनके टेन में एक बहुत सारे एफर्ट्स ऐसे हुए कि एजुकेशन को कैसे पॉपुलराइज किया जाए इनके अंदर बहुत सारी सुजेशन आती थी कि एजुकेशन को जो कंपलसरी कर दिया जाए एजुकेशन स्टार्ट होनी चाहिए एक रिपोर्ट भी बनाई गई थी 1960 में जिसके अंदर बड़ी सारी चेंजेस किए गए फॉर एजुकेशन फिर उन्होंने बहुत सारे, सारे स्कूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया फॉर बॉयज के लिए अलग से और गर्ल्स के लिए अलग से ओपन कर दिए गए इनफैक्ट ये ये भी चाहते थे कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्री हो जाए जो प्राइमरी एजुकेशन है मीन्स फिफ्थ क्लास तक वो फ्री हो जाए और बहुत सारे स्टेप्स ऐसे भी लिए गए सो दैट मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए कि मुस्लिम मुस्लिम स्टूडेंट्स को भी एजुकेशन जो है वो फ्री में मिले और उनको भी वो वो लोग भी अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड ले सके इसके लिए उन्होंने ग्रांट्स तक जनरेट हो जाकि ग्रा, ग्रांट्स भी उनका बजट बन गया था कि जो टीचर्स हैं जो अनकालीफाइड टीचर्स हैं जो अन ट्रेन टीचर्स हैं उनको वो ट्रेन करें सो so दैट वो अच्छे से लोग उनको एजुकेट कर सकें इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग कॉलेज में या नॉर्मल स्कूल्स में उनको ट्रेन करना शुरू कर दिया था लाहौर में जाके और उसके बाद वो से नॉर्मल स्कूल जहाँ पे एस्टेब्लिश होना शुरू हो गए थे इनफैक्ट स्कूल्स के अलावा यहाँ पे कॉलेज भी बनना शुरू हो गए थे जो सबसे बड़े एग्जाम्पल है कॉलेज वो है जैसे आजकल आप जानते हो साइंस कॉलेज है जम्मू में उस टाइम उन्होंने उन्होंने बनाया था नाइन उन्नीस में जिसको तब बोला जाता प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज के नाम से वो फेमस था और श्रीनगर में बनाया था श्री प्रताप कॉलेज जो बना था 1905 में और अमर सिंह टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी बनाया था 1914 में वाई 1938 थर्टी एट में क्या, जो श्री प्रताप कॉलेज है वहाँ पे जो एनरोलमेंट थी वो थी 1187 जो उस टाइम पे सेकंड लार्जेस्ट कॉलेज था जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर आता था प्रताप सिंह का जो टैनियो था इसको मोस्ट बो आप बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव था इन्होंने एजुकेशन के लिए किया इन्होंने रोड्स के लिए किया सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव जी एंड हिस्ट्री में इसको माना जा सकता है प्रताप सिंह ने कोई भी इशू जो अनलेफ्ट नहीं रहने दिया था कोई छोड़ा नहीं था वो सब कुछ कंप्लीट करके करके गए थे जब उनकी डेथ हुई ट्वेंटी थ्री थर्ड 1925 नाइनटीन ट्वेंटी फाइव में और उसके बाद जो उनके नेफ्यू थे हरि सिंह जो अमर सिंह जी के बेटे थे उनको थ्रोन पे बिठा दिया गया हरी सिंह द लास्ट रूलर रूलिंग महाराजा ऑफ जे एंड के इनका टेन्योर दो तीन चीजों की वजह से बहुत ही फेमस था बहुत ही फेमस रहा वो थे सबसे पहले यही था कि जब ये थ्रोन पे बैठे इन्होंने जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो कंपलसरी कर दी कि सबको प्राइमरी एजुकेशन मिलनी ही चाहिए और इन्होंने चाइल्ड मैरिज भी प्रोहिबिट कर दी थी और जो लो कास्ट लोग होते थे उनके लिए ओपन वर्शिप प्लेसिस बना दिए गए और इनकी टेनियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जब जे के का एक्सेशन हुआ किसके साथ इंडिया के साथ वो दैट पार्ट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रेंज क्या हुआ था कि 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान दो सेपरेट कंट्रीज बन चुके थे तो ब्रिटिशर्स ने एक रूल बनाया था कि जो प्रिंसली स्टेट्स होंगी उनके पास चॉइस होगी वो कौन सी कंट्री के साथ मिलना चाहते हैं कौन सी कंट्री के साथ रहना चाहते हैं अगर नहीं रहना चाहते तो इट्स ओके वो, वो अपना इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं पर क्या हुआ था कि यहाँ पर कुछ इन्वेडर्स आ गए थे जिन्होंने जे के अटैक कर दिया था और जे के ट्रूपर्स उनको कंट्रोल कर रहे थे बट इतने वो इतने इतने लार्ज नंबर में आ जाके कि वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे इसलिए महाराजा हरी सिंह जी ने जो उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से हेल्प मांगी थी कि वो हमारी हेल्प करें इन रिटर्न उन्होंने लिखा कि हेल्प करेंगे लेकिन जे को इंडिया का पार्ट होना पड़ेगा इसके बाद दिस इस इज ऑल द कंट्रोवर्सी जो स्टार्ट हुई थी और इसके साथ ही महाराजा हरि सिंह जी का जब वो जीत गए उन्होंने हेल्प की इसके बाद जे के जो इंडिया के साथ अटैच हो गया और इनके बाद महाराजा हरि सिंह का जो टैनियर था वो ख़त्म हो गया इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट ट्रीटी ऑफ अमृतसर क्या थी और थोड़ा बहुत और भी ट्रीटीज के बारे में जानेंगे आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है अभी हमारी हिस्ट्री के एक दो लेक्चर ही रह गए हैं सो so, मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किए हैं वो सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर देखे और अच्छे से प्रिपेयर कर लें चलिए आंसर्स देख लीजिएगा अपने क्वेश्चन के और मैच कर लिया कितने आंसर सही हैं और कितने गलत फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था फिफ्टीन एट्टी सेवन नेक्स्ट का था अकबर थर्ड का था जहांगीर फोर्थ का था शाहजहां फिफ्थ का था फ्रांसिस वर्नियर सिक्स का था सेवनटीन फिफ्टी टू सेवन का था एटीन नाइनटीन एट्थ का आंसर सेवन्थ का आंसर है 1819, नाइनटीन एट्थ का भी आंसर है एटीन नाइनटीन नाइन्थ का आंसर है महाराजा रंजीत सिंह और टेंथ का आंसर है एटीन फिफ्टी सिक्स आई होप यू गैज टूडेज लेक्चर एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज शेयर इट और लाइक भी कर दीजिएगा थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू